आप देख रहे हैं वर्ल्ड मीडिया टाइम्स और खबर प्रयागराज से, जहां शराब भरी कार पकड़े जाने के बाद आबकारी विभाग ने मॉडल शॉप किया सील। बीते दिनों सिविल लाइन्स थाना क्षेत्र के एक मॉडल शॉप से अवैध तरीके से बेचने के लिए ले जाई जा रही शराब पुलिस ने बरामद की थी। गाड़ी में लदी हुई शराब की पेटियां अवैध तरीके से लॉकडाउन के दौरान खरीदी गई थी। वहीं मौके पर पुलिस की नज़र पड़ जाने पर कार्रवाई कर एक आदमी को जेल भेज दिया गया था और दुकानदार और दुकान मालिक के खिलाफ कार्रवाई की बात कही थी, जिसको लेकर आज जिला अधिकारी के आदेश पर आबकारी विभाग की टीम मॉडल शॉप पहुंची और कार्रवाई करते हुए दुकान को सील कर दिया गया। फिर क्या कार्रवाई हुई? 4 अप्रैल को यहां इस दुकान के विक्रेताओं द्वारा लॉकडाउन के दौरान, बंदी के दौरान अवैध रूप से शराब बेची जा रही थी, जो कि पकड़ा गया। उस क्रम में एक FIR पुलिस द्वारा लिखी गई है और आबकारी विभाग द्वारा जिलाधिकारी लाइसेंस प्राधिकारी महोदय के माध्यम से आदेश पारित करा करके इनकी दुकान का अनुज्ञापन निलंबित करा दिया गया है। तो आज इस निलंबित दुकान के जो अनुज्ञापी हैं वो प्रतापगढ़ जनपद के रहने वाले हैं। वहाँ से चाबियाँ मंगवा करके इन दुकान में स्टॉक की गणना और सीलिंग की कार्रवाई की गई है। तो पूरे जनपद में चोरियाँ भी शराब की दुकानों में हुई, तो कितनी चोरियाँ हुई अभी तक? हमारी जनपद में प्रयागराज में 8 देशी शराब की दुकानों पे, 2 अंग्रेजी शराब दुकानों पे, 1 बियर की दुकान पे चोरी हुई है। बड़ी मात्रा में चोरी हुई है, किसी किसी दुकान से 50 पेटी, किसी दुकान से 30 पेटी चोरी हुई है और पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है। उसमें काफ़ी जगह से पकड़ा भी गया है, बरामद भी हुआ है और ये प्रदेश भर में इस तरह घटनाएं ज्ञान में आ रही हैं, संज्ञान में आ रही हैं। इस तरह से इसमें काला बाजारी और बाजार में बिक रही अवैध तरीके से, उस पर आगे क्या कार्रवाई और होती रहेगी? उसके लिए हम लोग सतत निरीक्षण कर रहे हैं। दुकानें तो सारी बंद हैं और दुकानें खुलने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, और अगर उसके बाद भी कोई सूचना मिलती है तो तुरंत पुलिस का सहयोग लेकर के छापा मारा जाता है, उस जगह शराब पकड़ी जाती है। कई मामले ऐसे पकड़े भी जा चुके हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब